विश्वास सरोकार। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है प्राइम मध्य प्रदेश का, तो रुक करते हैं एमपी की खबर की ओर। तो इसी बीच बड़ी खबर आ रही है मुरैना से, जहां लग्जरी वाहन सवारों ने गोलियां चलाई हैं। मुरैना से बड़ी खबर आ रही है जहां लग्जरी कार सवारों ने गोलियां चलाई हैं, घर को निशाना बनाकर गोलियां चलाई गई हैं। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। तो घर को निशाना बनाते हुए लग्जरी कार सवारों ने गोलियां चलाई हैं। घटना के बाद दहशत में पूरा परिवार नजर आ रहा है, पूरे परिवार में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। थाना स्टेशन रोड क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर लग्जरी कार सवारों ने एक घर पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई हैं। तो बड़ी खबर मुरैना से आ रही है, लग्जरी वाहन कार सवारों ने गोलियां चलाई हैं, घर को निशाना बनाकर कार सवारों ने गोलियां चलाई हैं। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसके आधार पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। गोली चलाए कुछ शख्स, जैसे चौकी भदौरिया, उसका ससुर भी साथ था अरविंद तोमर, और भोला भदौरिया और बंटी भदौरिया, रोहित भदौरिया। तो ये कैसी आई थी? और स्कॉर्पियो, नई स्कॉर्पियो गाड़ी थी, उसमें नंबर प्लेट भी नहीं थी। यहाँ अरविंद तोमर के उसकी ससुराल लोग भदौरिया की, यहाँ उन्होंने दारू पी है। 8 बजे आके दारू पी के 10:15 ये काम कांड किया है उन्होंने। ग्वालियर में लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही पुलिस एक्टिव मोड में नजर आ रही है, और साथ ही पुलिस ने शहर के प्रमुख चौराहों पर चेकिंग पॉइंट लगाकर चेकिंग शुरू कर दी है, जिसमें पुलिस संदिग्ध वाहनों की जांच पड़ताल कर रही है। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच में एक बार ग्वालियर में पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। पुलिस ने कारों की चेकिंग अभियान की शुरुआत कर दी है। तारीखों के ऐलान के बाद पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड में है और लगातार कारों का अभियान चला रहा है। कारों में जांच पड़ताल पुलिस प्रशासन लगातार कर रहे हैं। छिंदवाड़ा में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र सिंह और पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री ने उमरिया इशरा चेक पोस्ट का आकस्मिक निरीक्षण किया, जिसमें एएसपी अवधेश प्रताप सिंह और जिला कोषालय अधिकारी गौरीश माराठे साथ रहे हैं। झाबुआ जिले में आज से भगोरिया लोक पर्व की शुरुआत होने जा रही है, जिसका समापन 24 मार्च होलिका दहन के साथ होगा। बताया जा रहा है कि भगोरिया पर्व आदिवासी समुदाय का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है, जिसमें आदिवासी समुदाय की संस्कृति की झलक भी देखने को मिलती है। वहीं भगोरिया महोत्सव की शुरुआत होली के 7 दिन पहले से हो जाती है, और इन 7 दिनों में अलग अलग गाँवों में, शहरों में लगने वाले हाट बाजार एक विशाल मेले का रूप ले लेते हैं। वहीं अभी देश में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर जिले में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है, जिसे ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक ने एडवाइजरी जारी कर दी है, ताकि इस पर्व को बड़े हर्षोल्लास के साथ शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जा सके। भगोरिया को लेकर झाबुआ पुलिस द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमे हम सभी जनता को यह बताया गया है कि भगोरिया जो हमारा सांस्कृतिक पर्व है, उसमें किस तरह से भगोरिया मनाया जाए, ताकि हमारे रंग में भंग ना पड़े। एक तरह से लोगों को अवैध मदिरा पीने पे या कोई कुकृत्य करने पर, कुकृत्य समझा कि जो हमारी जो मतलब परंपरा नहीं है, उस करने पर हमारे द्वारा रोकने का प्रयास किया गया है। बाकी हमारे द्वारा बताया गया है कि इसमें आप डीजे ना बजाएं, जो हमारे पारंपरिक ढोल नगाड़े हैं वही बजाकर अपना सांस्कृतिक पर्व को मनाएं, शांतिपूर्वक मनाएं। तेंदुखेड़ा में यादव समाज में जन्मे ब्रह्मा रूपी महाराज ने जैन धर्म में दीक्षित होकर सनातन धर्म को बढ़ावा देने के आडंबरों ढोंगों से दूर रहते हुए मानव जाति जीवों के बीच प्रेम बढ़ाने का संदेश देते हुए पत्रकारों के बीच मुखातिब होते हुए स्पष्ट किया है कि सनातन की मूल अवधारणा को छोड़कर लोग केवल दिखावे में संलग्न हैं।
बुरहानपुर में लालबाग के खाटू श्याम भक्तों ने धूमधाम से श्याम बाबा के निशाने यात्रा की और आपको बता दें कि जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भजन करते थिरकते हुए नजर आए हैं। बताया जा रहा है कि सनातन धर्म में ध्वज को विजय के प्रतीक के तौर पर माना जाता है और साथ ही यह निशान श्याम बाबा द्वारा दिया गया है और बलिदान और दान का प्रतीक भी माना जाता है। वहीं श्याम बाबा निशान यात्रा में हनुमान अपनी वानर सेना के साथ नाचते हुए नजर आए और वहीं नेतागढ़ भी शामिल हुए। सिवनी सहित जिले के कई गांवों में बारिश और ओले गिरने से किसानों की फसलें काफी ज्यादा प्रभावित हुई हैं। वहीं बताया जा रहा है कि सिवनी के देवरी पुरवा सुहागपुर सहित दर्जनों गांव में ओलावृष्टि हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान सुहागपुर और पुराव के गेहूं और चने की फसल सहित सब्जियों में हुआ है। वहीं किसानों ने बताया कि ओले रुक रुक कर 3 से 5 मिनट तक गिरे हैं, जिससे बड़ी संख्या में गेहूं चने की फसल बर्बाद हुई है। ग्वालियर जिले के बिजौली थाना क्षेत्र के बिलहेटी गांव में एक दर्दनाक घटना में पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे इलाज में अस्पताल के लिए भर्ती कराया गया है। दरअसल बिलहेटी गांव का रहने वाला मुकेश कुशवाहा, उसकी पत्नी सुमम कुशवाहा और 7 साल के बेटे ने सल्फास की गोलियां खा ली थी, जिसके बाद मुन्नालाल कुशवाहा अचानक अपने भतीजे से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं आपको बता दें कि बेटे की अस्पताल में ही मौत हो गई, जबकि उसके पिता ने देर शाम को दम तोड़ा है। फिलहाल महिला का इलाज जारी है और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। बिलेटी गांव के कुशवाहा समाज के मुकेश और उसके पत्नी बच्चे के जहर खाने की सूचना प्राप्त हुई थी। अभी एक मर्ग कायम कर लिया गया था, जिसमें 7 वर्षीय बेटे की कल मृत्यु हो गई थी और आज उसके पिता की भी मृत्यु हो गई है। अभी हम लोग जहर के कारणों की जांच कर रहे हैं, अभी तक कोई कारण नहीं बताया है और उनके परिजनों से बात कर रहे हैं, कथन ले रहे हैं। हमारे जो थाना प्रभारी हैं आईपीएस प्रोफेशनल अनु बेनीवाल और मैडम अभी गई हुई हैं गांव पर घटना स्थल पर, मैं भी जाऊँगा, तो जो भी तथ्य आएंगे यदि कोई साथ आएंगे उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। इसके बारे में तो वहाँ की नहीं बता सकता मैं, क्योंकि मैं यहाँ पर था, पता चला तो मेरे को, मैं हॉस्पिटल आया था तो यही पता चला कि उनकी गोली खाई है, इसने खाई है और उसके अपने बच्चों को मतलब उसी के बाद मेला चल रहा है, बच्चा भी खत्म हो गया कल। कोई जानकारी नहीं है आपको क्या कल नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, मतलब ऐसा कि मतलब कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो घर में आपस में या किसी से या बीवी बच्चों से, खबर मिलती तो मैं जाता मतलब वहाँ पर। परिवार आपका? ये मेरा भतीजा है, बड़े 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 भाई का लड़का। क्या करते थे? यही किसानी खेती। बच्चे की उनकी उम्र कितनी थी? 7 वर्ष। झाबुआ कोतवाली थाना क्षेत्र में एक ग्राम पंचायत ढेकलवरी में बीते दिनों हुई महिला की हत्या की गुत्थी चंद घंटों में ही पुलिस ने सुलझा ली है, जिसमें ससुर ही अपनी बहू की हत्या का आरोपी निकला है। जहां झाबुआ एसपी पद्म विलोचन शुक्ल ने पुलिस कंट्रोल रूम में मामले का खुलासा करते हुए बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम ढेकलवरी के रहने वाले सुरतान डामोर ने 15 मार्च की रात में उसकी बहू की फोन कर उसके प्रेमी से बात करते हुए पकड़ लिया था और इसी को लेकर दोनों के बीच में विवाद हो गया और विवाद में ससुर ने बहू की हत्या कर दी। यही नहीं, खुद को बचाने के लिए ससुर ने हत्या की झूठी साजिश भी रची और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। हालांकि जब पुलिस ने मामले को बारीकी से जांच की तो सच सामने आ ही गया और ससुर ने खुद बहू की हत्या करना कबूल कर लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। जो 15 मार्च 2024 को ढेकलबड़ी गांव में जो घटना हुई, उसमें झाबुआ पुलिस की टीम जिसमें एडिशनल एसपी साहब कुर्वे जी, हमारे एसडीपी झाबुआ रूप रक्षा और टीआई जो हमारे उनके द्वारा इसमें काफ़ी गहनता से पूछताछ की गई। बात में यही पता चला जिसके द्वारा शिकायत की गई थी वही इस प्रकरण पूरा आरोपी निकला। सर क्या कारण आया सर? मूलतः इसका कारण यह है कि वो मोबाइल पर काफ़ी लंबी बात कर रही थी और इस बात करने के कारण वो पति जो उसका ससुर था उससे काफ़ी नाराज रहता था, इस कारण से ही वो तात्कालिक झगड़ा हुआ और झगड़े के कारण यही निकलता।
मंदसौर में पिता और पुत्र को एक ठेकेदार ने अपने साथियों के साथ मिलकर तालेबानी सजा दी है। आपको बता दें कि मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर के पास शिवना शुद्धिकरण प्रोजेक्ट को लेकर नाले का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें ठेकेदार अनिल ने बताया कि हमारा 1,00,000 रुपए से अधिक का सामान चोरी हो गया है। वहीं पीड़ित ने बताया कि हम लोगों ने कोई चोरी नहीं की है। फिलहाल मारपीट की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल हमारा काम चल रहा है शिवना शुद्धिकरण में, तो कई दिन से हमारा सामान चोरी हो रहा, हम इस पर गौर करे हुए थे। तो हम आज सुबह जाके मैं भी और हम दो तीन स्टाफ थे, काउंटिंग करी, उसमें भी माल हमारा कम निकला। और उसके बाद में हम आए यहाँ, खुदाई चल रही है पाइपलाइन की, तो हमारे पास उधर से एक फ़ोन आया, हमारा जो हेल्पर है वो गया था उधर अपनी झुग्गी पे, तो बोले साहब ऐसे ऐसे बात है, दो चोर वहाँ प्लेट उठा के जा रहे हैं। तो हम उधर से चले तो ये इतने यहाँ आ गए, तो हमने इन्हें यहाँ पे आके पकड़ा। थाने में शिकायत करी थी आपने? शिकायत को तो कम से कम 2 महीने हो गए, पहले भी उठी है माल। कितने का माल लगभग चोरी हुआ अभी तक? करीबन 1,50,000 का। मेरा नाम राहुल है। हाँ, क्या कर रहे थे यहाँ पे? मैं बाबू जी खाली प्लास्टिक में बाल बीनता हूँ। हाँ, बाल बीनते हम। हाँ, और ये तो पानी में पड़ा था तो मिल गया हमारे को, हमने तो सामान चोरी करा। सामान भी चोरी करा? सामान हमारे कोई चोरी नहीं करा बाबू जी, खाली ये मिला हमारे को रास्ते में तो के लिए आया, वहाँ पड़ा था खाली, बस बस और कुछ नहीं करा हमने। क्या हुआ अब इन्होंने हमको वहाँ से लेके आया, मारा पीटी करी इन्होंने। हाँ, आपने खुद नहीं देखा? तो तब कितने समय से चोरी कर रहा हूँ? नहीं बाबू जी, मैं चोरी करता नहीं कभी। तो इन लोगों ने पकड़ा सामान के साथ? नहीं, वो सामान पकड़ा, बाकी मैं वो पानी में से निकल के लाया, मेरे को मैं वहाँ से मिल गया। तो आप कौन कौन लोग साथ में? हम दोनों बाप बेटे साथ में। मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही, तो अब हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहे प्राइम टीवी। कुछ आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी COVID-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो इज 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती थी, जो अब की इस टाइम पर एक बार ही मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद में अब दोबारा आया हूँ तो एज 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका मैंने। हाँ, मतलब मैं गंगाराम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था, उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट, बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कॉन्टेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं विकास@gfx@gmail.com पर।